आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। मूसलाधार बारिश होने के क्रम में वज्रपात होने से एक की मौत, तीन लोग हुए बेहोश। घटना सोमवार शाम करीब 4 बजे की बताई जाती है। मिली जानकारी के अनुसार मरका चौथाना क्षेत्र के महुगाय पंचायत स्थित ग्राम गैरागी निवासी सुनील यादव 33 वर्षीय पिता केशव महतो और उसके चाचा देवनारायण यादव के साथ सिमराटांड निवासी सदानंद यादव और पूर्व मुखिया पंकज राणा अपने घर से दरदाही जाने के क्रम में दरदाही तेतरून मुख्य मार्ग स्थित लालगढ़ मोड़ के समीप एक एल्बेस्टर से बने मकान में हो रही बारिश से बचने के लिए रुके हुए थे, जहां लगभग आधे घंटे से अधिक रुकने के बाद अचानक वज्रपात हो गया, जिससे चारों व्यक्ति बेहोश होकर जमीन पर गिर गए, जिसमें से कुछ समय बीतने पर तीन व्यक्ति को धीरे धीरे होश आया और एक व्यक्ति सुनील यादव बेहोश ही रह गया। वहीं होश में आए लोगों ने मोबाइल फोन के माध्यम से घटना की सूचना ग्रामीणों को दी, जहां ग्रामीणों ने पहुंचकर सुनील यादव को मरकच्चो के नावाडीह स्थित राज क्लिनिक लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तत्पश्चात ग्रामीणों ने उसके शव को पुनः उसके घर ग्राम गैरागी पहुंचा दिया। मरकच्चो से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। आपका नाम क्या हुआ? देवनारायण यादव। यह घटना कैसे क्या हुआ बताइए। हम लोग गाँव से दरदाही की ओर जा रहे थे, उसी के बीच में बारिश के चलते वहाँ रुक गए। बारिश के वजह से वज्रपात होने से हम लोग वहाँ चारों आदमी बेहोश हो गए। अच्छा। बेहोश के बाद तीन को होश आया, एक को होश नहीं आया। अच्छा। उसके बाद उसको हम गांव लाए, गांव से उसको हॉस्पिटल भर्ती किए। हाँ। वहाँ से अब जवाब मिल गया उनको, वहाँ मतलब मृत घोषित कर दिया। हाँ जी। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? पंकज कुमार राणा। घटना कैसे क्या हुआ बताइए। घटना, हम गए थे उधर, मेरा जमीन है, मतलब देखने गए थे बिनाट को और धान बुनने के लिए, तो बारिश होने लगा तो उसमें उस गरागी और लालगढ़ मोड़ पर एक घर रूम है जिसमें दरवाज़ा लगा हुआ नहीं है, उसमें हम बचने लगे। तब तक एक सिमराटांड का लड़का आया, वो भी वहाँ बचने लगा। हम लोग वहाँ दोनों दो आदमी थे, बच रहे थे बारिश में, तो तब तक के गैरागी का दो लड़का आया, वहाँ दोनों लड़का बारिश में बचने लगा उस रूम में। हम लोग चार हो गए तो हम बोले कि सबसे पहले सभी अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ सब किए। अब वहाँ था क्या कि हम बैठल थे एक प्लास्टिक डब्बा पर और एक आदमी एक फम वाला बक्सा था उस पर बैठा था, एक लड़का जो ऐसे बैठा था जमीन पर, और जो लड़का डेथ किया वह लड़का खड़ा था, दरवाजे के पास खड़ा था। अब हम लोग को ये पता नहीं, कि कब क्या हुआ। अचानक जो हम लोग गिर गए, दर्द हम लोग को हो गया, कान में बहुत तरह का नाना प्रकार शरीर में लगने लगा, तो हम उठ के देखने के बाद उस बेहोश लड़का को बोले कि इसको संभालिए। तब तक हमको भी गिरने जैसा लग रहा था, तो हम अचानक अपना मोटरसाइकिल बैठे किसी तरह घर वापस आए। घर में फिर जो है सो अपना सेवा समाज के चलते मैं अभी ठीक ठाक हूँ। फिर डॉक्टर बुलाए, सुई दवा भी लिए, अभी मैं ठीक ठाक हूँ।